अब आपको लॉयल्टी प्रोग्राम के कोड्स को प्रिंट करने के लिए और कोई थर्ड पार्टी ऐप की या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके पहले हमारे सिस्टम से सिर्फ एक्सेल फाइल जनरेट होते थे, लेकिन अब आप आपके पैनल से डायरेक्ट QR कोड और पूरा प्रिंट लेबल जनरेट कर सकते हैं बहुत इजीली। चलिए इस वीडियो में देखते हैं। तो फिर ये सॉल्यूशन आप भी आपके बिजनेस के लिए अफोर्डेबल कॉस्ट में अपना सकते हो, ताकि बहुत इजीली आप आपके बिजनेस के लिए ये सॉल्यूशन यूज कर सको। अल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज लाइक दिस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने ऑलरेडी एक बैच बनाया कोड का, जिसमें ऑलरेडी हमारे 2 कोड्स है। इसको एक्शन में जाके हम व्यू करेंगे, ताकि इसके अंदर जो जो कोड्स है हमें सारे देखने मिल जाएंगे। तो ये 2 कोड हमने इस बैच में बनाए 1000 पॉइंट्स के। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके पहले हमने एक ही ऑप्शन दिया था एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल का, अब हमने यहाँ पे और एक ऑप्शन दे दिया है प्रिंट कोड नाम से। एक्सपोर्ट एक्सेल फाइल का ऑप्शन था जिससे एक्सेल फाइल एक्सपोर्ट होती थी, लेकिन प्रिंट कोड ऑप्शन की वजह से अब आपका डायरेक्ट डिज़ाइन कोड पूरा आपको मिल जाता है, जो अब आप प्रिंटर के मदद से बहुत इजीली प्रिंट कर सकते हैं। आप इन्हें मल्टीपल साइजेस में प्रिंट कर सकते हो, जैसे हमने A4 साइज़ किया, स्मॉल प्रिंटर साइज 58mm वाला किया, और 80mm वाला भी यहाँ पे ऑप्शन है जिससे ये प्रिंट साइज़ 80mm पे हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो भी प्रिंटर कनेक्टेड है, अभी हमारे पास तो 58mm वाला प्रिंटर है, इसलिए हम इसे 58mm पे रखेंगे और Ctrl+P प्रेस करते ही यहाँ पर आपको प्रिंट प्रीव्यू भी तुरंत देखने मिल जाएगा। हमने हमारा प्रिंटर वायर से यहाँ कनेक्ट किया है Evricom का 58 सीरीज़ वाला, इसलिए यहाँ से 58 सीरीज़ वाला हमारा ऑप्शन सिलेक्टेड है। 80 सीरीज़ वाला भी ऑप्शन अगर आपके पास यहाँ पे प्रिंटर है तो ऑप्शन अवेलेबल है। अभी ये प्रिंट प्रीव्यू जैसा है वैसा ही हमारा प्रिंट होगा। प्रिंट बटन पे क्लिक करते ही जो भी हमारा प्रिंटर कनेक्टेड है उससे आप देख सकते हो ये प्रिंट बहुत ईजिली निकल गया है। आप कोई भी प्रिंटर इसे कनेक्ट कर सकते हो, लेबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, A4 साइज़ वाला बड़ा प्रिंटर, तो ये सारे प्रिंटर्स यहाँ पे काम कर लेंगे। अब ये जैसे ही प्रिंट हो गया है, हमारे ऐप से ये बहुत इजीली स्कैन हो जाएगा। स्कैन QR कोड करते ही यहाँ पे आप देख सकते हो ये कोड स्कैन हो चुका है। अब यहाँ पे ऐड टू वॉलेट करते ही हमारे 1000 पॉइंट से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। आप देख सकते हो 1000 पॉइंट, इसके पहले 120 डेबिटेड थे, इसलिए अब टोटल 880 है। अब जैसे ही ये QR फिर से अगर हम स्कैन करते हैं तो ये दिखा देगा कि कोड इज़ ऑलरेडी यूज्ड, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस पे पॉइंट ले लिए है। हम फर्स्ट वाला QR फिर से स्कैन करेंगे और पॉइंट्स ले लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड टू वॉलेट कर देंगे। अब ये दोनों QR जो हमने प्रिंट किए वो यूज़ हो चुके हैं, और फिर ये पैनल पे भी हमें तुरंत देखने मिल जाते कि अब ये QR यूज्ड हो चुके हैं। और इस तरीके से अब इस बैच का पूरा काम हमारा ख़त्म हो चुका है। 2 QR हमने प्रिंट भी करके देखे। इसी तरीके से 50 QR का हमारा एक बैच है, जिसमें आपको सारे 50 कोड्स अलग अलग देखने मिलेंगे। अगर हम यहाँ पे प्रिंट कोड फाइल को ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पे कई सारे हमारे टोटल 50 जो कोड्स है वो यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। तो फिर अगर आपके पास A4 साइज प्रिंटर है तो आप इन्हें बहुत इजीली PDF से सेव कर सकते हो, प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हो, कोड्स को लैमिनेट कर सकते हो और प्रॉपर कटिंग करके आपके प्रोडक्ट्स में इन कोड्स को डाल सकते हो, ताकि कस्टमर ये कोड्स को बहुत इजीली स्कैन कर सके। तो इसके वजह से अब हमने एडमिन पैनल को इतना इजी बना दिया है, ताकि आपको अब थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहेगी आपके लॉयल्टी प्रोग्राम के कोड्स को प्रिंट करने के लिए। तो फिर इसलिए आपको अब आपके बिजनेस में लॉयल्टी प्रोग्राम रन करने के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमसे कनेक्ट कीजिए और आपका आपके बिजनेस के लिए लॉयल्टी प्रोग्राम सिस्टम डेवलप करवा लीजिए। आपको कुछ भी अब मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सॉफ्टवेयर अब आपके सारे काम कर सकता है और हम आपके लिए वो बना सकते हैं बहुत ईजी वे में। एक वन टाइम अफोर्डेबल कॉस्ट में अब लॉयल्टी प्रोग्राम आप आपके बिजनेस के लिए रन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।